नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे पंजाब में भगवंत मान के हाथ में होगी आम आदमी पार्टी की कमान। जी हां, पंजाब में चुनावी सरगर्मियां तेजी पर हैं। हालांकि चुनाव की तारीखें थोड़ी सी आगे बढ़ गई हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपने पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान में उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने एक पुराने और विश्वसनीय नेता भगवंत मान को आने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर घोषित किया है। भगवंत मान जिस सीट से सांसद हैं, वो मालवा क्षेत्र से आती है। पंजाब में कहा जाता है कि जिसने मालवा जीत लिया उसी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। आम आदमी पार्टी को 2017 के चुनाव में इस क्षेत्र से अच्छी सीटें मिली थी और इसीलिए इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी अपना पूरा जोर लगा देना चाहती है। भगवंत मान को लोग एक कॉमेडियन और एक राजनेता के तौर पर जानते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में भगवंत मान पार्टी के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे पंजाब में अपील है। भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से मालवा क्षेत्र में ही 69 विधानसभा सीटें आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मालवा जीत लिया जाए तो आधे से ज्यादा सीटें कवर हो जाती हैं प्रदेश की और चुनाव जीतने की राह आसान हो जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मालवा क्षेत्र में 40 सीटें जीती थी। दूसरे अहम क्षेत्र माझा और दोआब माने जाते हैं। माझा में 25 विधानसभा सीटें आती हैं और दोआब में आती हैं 23 विधानसभा सीटें। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में माझा में 22 सीटें जीती थी और दोआब में 15 सीटें जीती थी। वहीं अगर अकाली दल की बात करें तो साल 2012 में उन्होंने मालवा क्षेत्र में 33 सीटें जीती थी, जिसके बाद उनकी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल मालवा क्षेत्र में सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाया, जिसके बाद से ये पार्टी 10 साल तक सत्ता से बाहर रही। आम आदमी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में मालवा क्षेत्र में 20 विधानसभा सीटें जीती थी, लेकिन माझा और दोआब क्षेत्र में वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। तो क्या इस सीजन में आम आदमी पार्टी एक नया क्षेत्र हासिल कर पाएगी? वहीं किसान संघ, जिनसे कि आम आदमी पार्टी को समर्थन की उम्मीद थी, उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली है और वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में प्रदेश को एक दलित मुख्यमंत्री दे दिया है। अब ऐसे में क्या भगवंत मान कांग्रेसियों, अकालियों, भाजपा और अमरिंदर सिंह, इसके अलावा किसानों की पार्टी की चुनौती का सामना कर पाएंगे? अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी मालवा क्षेत्र में अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है और वहां उन्होंने अपना पूरा दम झोंक दिया है। वो इसलिए क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मालवा क्षेत्र से 20 सीटें मिली थी और इसी के बूते अब आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश का चुनावी समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, शिरोमणि अकाली दल भी मालवा रीजन में अपनी पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अकाली दल को 2012 में इस इलाके से 33 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद 2017 में उनकी जीत 8 सीटों पर ही सिमट गई थी। हालांकि 23 विधानसभा सीटों वाले दोआब क्षेत्र में पारंपरिक तौर पर शिरोमणि अकाली दल की ही पकड़ मानी जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, किसका पलड़ा भारी है। जनता का मिजाज जानने के लिए तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसीज कई तरह के सर्वे करा रही हैं। अब तक जो सर्वे सामने आए हैं उनके नतीजे बताते हैं कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। कुछ चैनल्स और एजेंसीज के नतीजे आपको बताते हैं किस तरह के प्रोजेक्शंस पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर किए जा रहे हैं। एबीपी सी वोटर की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस बार 37 से 43 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 52 से 58, अकाली दल को 17 से 23 और बीजेपी को 1 से 3। पब्लिक पी मार्क की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस को 42 से 48 सीटें, आम आदमी पार्टी को 50 से 56, अकाली दल को 13 से 17 और बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। पोल स्टार्ट न्यूज एक्स के सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस को 40 से 45, आम आदमी पार्टी को 47 से 52, अकाली दल को 22 से 26 और बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया आहे की रिपोर्ट में कहा गया है कि 40 से 44 सीटें कांग्रेस को, 59 से 64 सीटें आम आदमी पार्टी को, 8 से 11 सीटें अकाली दल को और 1 से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। डीबी लाइव के प्रोजेक्शंस में बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 68 से 70 सीटें मिल सकती हैं,
आम आदमी पार्टी को 26 से 28, अकाली दल को 13 से 15 और बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के प्रोजेक्शंस बता रहे हैं कि 41 से 47 सीटें कांग्रेस को, 54 से 58 आम आदमी पार्टी को, 11 से 15 अकाली दल को और बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज जन की बात सर्वे में सामने आया है कि 32 से 42 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, 58 से 65 सीटें आम आदमी पार्टी को, अकाली दल को 15 से 18 और बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इन सब का अगर हम औसत निकाल लें तो कांग्रेस को औसतन 43 से 48 सीटें मिलती दिख रही हैं, आम आदमी पार्टी को 49 से 54, अकाली दल को 14 से 18 और बीजेपी को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं इन तमाम एजेंसीज और न्यूज चैनल्स के सर्वे में। 2014 में देश में मोदी की लहर थी। भगवंत मान ने उस समय संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव जीता। कांग्रेसी और अकाली उम्मीदवार होने के बावजूद भगवंत मान ने संगरूर में 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीता। साल 2019 में भी उन्होंने संगरूर सीट जीत ली थी। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी को पंजाब में एक बड़ा मौका नजर आ रहा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़े चेहरे की तलाश थी। वैसे तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन पंजाब का 6 स्टेट होने की वजह से बाहरी लोगों को वहां पर स्वीकार नहीं किया जाता। आम आदमी का प्रचार पंजाब में अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही हो रहा है। केजरीवाल के नाम पर ही पार्टी पंजाब में लोगों से एक मौका मांग रही है। बहरहाल हमारी नजर पंजाब के चुनावों पर भी है, इसीलिए हमारी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ताजा अपडेट्स के लिए अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।